ये देखिए मैडम, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखिए, ये एक औरत आ रही है जिसके हाथ में आरी है, और ये टेबल का स्टैंड काट रही है मैडम, ये देखिए। ये इसका चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि इसने पल्लू से अपना मुंह छुपा कर रखा है। नहीं, पर एक और बात समझ नहीं आ रही है मैडम कि पूरे खाओ गली में किसी और औरत की कोई रेडिया दुकान भी नहीं है, तो कोई और औरत की इनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? जरूरी नहीं कि वो औरत हो, मर्द भी तो हो सकता है। अरे मतलब पल्लू लपेट लिया कि क्या मालूम गिरेगा अंदर, मर्दे की औरत है, ऐसा बोल रही है? मैडम हमारे अंदर का ना वीमेन साइकोलॉजिस्ट नई बात चीख चीख के कह रहा है कि औरत का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है ना, स्त्री डाह होता है। कौन सा कीड़ा? अरे कीड़ा नहीं जी, डाह, स्त्री डाह, जलस। तो हमको लगता है जो चाउमीन वाला, चाट वाला और बिरयानी वाला है, इसके घर की कोई औरत है जो स्त्री डाह का शिकार होकर इन दोनों माई बेटी का रेहड़ी खा गई है। वो सब तो ठीक है, ये विमान साइकिल क्या है? विमान साइकिल नहीं, वीमेन साइकोलॉजिस्ट, ये मनोविज्ञान होता है। स्त्री लोग के बारे में जो मनोविज्ञान, वही पढ़ाई किए हैं हम, तो वही हमको पता है औरत लोग का। अच्छा जी, मतलब औरत लोग के बारे में तू सब जानता है? जानता है मतलब वही पढ़ाई किए हैं, जानते हैं, प्रयास करते हैं जानने का। प्रयास करने की क्या जरूरत है, देख के बता दे। मैडम हाथ पकड़ ली, मैडम हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ दिया। वैसे भी मेरे को लगता है ना, ये बात 100% बराबर कर रहा है, ये औरत लोग का कोई भरोसा नहीं है, किधर भी कट कट चालू कर देती है। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास भी एक आइडिया है। ए मजा आई कुंगे। क्या मतलब मेरा आइडिया सुन लो। नहीं हमको नहीं सुनना तुम्हारा आइडिया, अपना आइडिया अपने पास रखो। ए चटक चांदनी, जब मुंबई में उर्मी को आइडिया आता है ना, तो अक्खा दादर ईस्ट जमा हो जाता है मेरा आइडिया सुनने को। प्लीज प्लीज सुन ले, बहुत जोर से आ रहा है। नहीं तुम्हारा आइडिया हम नहीं सुनेंगे। अच्छा एक मिनट, मेरे पास भी एक आइडिया। चीते तू इनका आइडिया सुन, मैं करिश्मा मैडम का आइडिया सुनती हूँ। हो कांदे। नहीं नहीं हमको नहीं सुनना, यहाँ पर आकर बोलेंगे संतु जी। अब अच्छा ठीक है, हम बारी बारी से आप दोनों का आइडिया सुनेंगे, ठीक है? तो पहले मैं बोलूँ? हाँ ओके। हाँ हाँ करिश्मा मैडम, अब आपका आइडिया। हाँ मैडम जल्दी आप सेफ हैं। क्या इतना मुस्कुरा कह रही हो तुम? क्योंकि आप दोनों का आइडिया सेम है, बस स्टाइल अलग है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात है, चटक चांदनी मिला हाथ, अपन सेम टू सेम। मैडम देखिए ना, वो कमीने चोर ने आपकी दी हुई टेबल का क्या हाल किया है, दोनों टांगे काट दिए। वो चाहता ही नहीं कि हमारा धंधा अच्छे से चले। साफ साफ धमकी देकर गया है कि अगर हमने यहाँ रेड़ी लगाने का सोचा भी तो वो हर बार हमारे साथ यही करेगा। नहीं नहीं आपको चिंता करने का बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्या है ना, जब हम छोटे थे हम अपने बाबूजी से पूछते थे कि बाबूजी भगवान भी कभी हंसते हैं क्या? पता है वो हमें क्या कहते थे? वो हमें कहते थे कि भगवान दो बातों पे बहुत हंसते हैं, पता है का? तब जब भगवान किसी को गिराते हैं ना और लोग उसको उठाने चले जाते हैं, और जब भगवान किसी को उठाते हैं तो लोग उनको गिराने चले जाते हैं। हमें जिसे गिराए वो उसे उठाए कौन, और जिसे उठाए वो उसे गिराए कौन, दो बातों पे बहुत हंसते हैं भगवान। और हमें लगता है भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा रेड़ी ना बहुत धूमधाम से चले, मतलब लोग बहुत सारे आए और तुम्हारा गोलगप्पा चाट मजे से खाए, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ये पुलिस वेलफेयर फंड से लाए हैं हम तुम्हारे लिए, हमने नया खरीदा है, दम लोहे का, देखो दम मजबूत है, इस पे आराम से तुम अपना गोलगप्पा चाट भंडार चलाओ, शाम हो जाए समेट के इसको, ये देखिए लोहे का चेन दिया गया है, इसे बांध के इसको रख दीजिएगा, कोई यहाँ से आपका रेडी नहीं लेके जाएगा, कोई नहीं हटा सकता आपको, ठीक है?
और एक बार आपका धंधा चल निकला ना, उसके बाद से आपसे पार्टी तो बनता है। और आपके हाथ की बनी हर एक डिश खाऊंगी मैं तो। हमने जो समझाया था जैसे याद है ना, सब याद है मैडम, तैयारी पूरी है। उगेंगे उसे फफोड़े, नहीं रेडी थी अम्मा, वो चुरा ले गए अम्मा। फिर से मेरी बहन की रेडी चुरा ली? जिसने भी मेरी बहन की रेडी चुराई है ना, छोड़ूंगा नहीं। क्या मिलता है तुम लोगों को? गरीब लोगों के पेट पे लात मार के नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। सड़ सड़ के मरोगे। अबे फिर शुरू हो गया बिना सबूत के इल्जाम लगाना। तू है ना पागल हो या पागल? अबे हिम्मत है तो असली चोर को पकड़ के दिखा। अरे गला क्यों फाड़ रहा है फालतू में? सियाने बिल्ली खंबा नोच रही है भाइयों। जब चोर हाथ नहीं लगा तो हम पे निकाल रहा अपनी भड़ास। हट 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 हट। हेलो हेलो करिश्मा मैडम, जिस बात का डर था वही हुआ, वो नई वाली रेडी भी चोरी हो गई। मैडम आप प्लीज जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए मैडम यहाँ पे प्लीज। हाँ हाँ सच में बहुत अफसोस है मैडम, कौन बेवकूफ हो सकता है? उसे इतना भी नहीं पता कि किसी के नसीब का रोटी वो कैसे छीन सकता है। अगर ऊपर वाले ने इन औरतों का दाना पानी यहाँ लिखा है तो ये सब करके उसे क्या मिलेगा? अरे बंद करो ये घड़ियाली आंसू बल्ली, तुम तीनों में से कोई एक है जिसने यहाँ पर सेंध लगाई है। यहाँ आ गए बड़े बकला भगत बनकर। एक अपना काई के लिए बम मार रहे मतलब शांति से भी तो बात की जा सकती है, तो शांति से बात करिए। फिलहाल ये मिठाई खाई, मिठाई प्रसाद है, प्रसाद खाओ खाओ। पुलिस वाले इतनी आसानी से मिठाई नहीं देते। मामा जी ये लीजिए। हाथ धोने का है किसी को? हाँ अल्ला इनका रेकड़ी चोर मिल गया। कौन है ये कंस मामा? असली रेकड़ी चोर। ये क्या बकवास कर रही है मैडम आप? आप कुछ भी बोलेंगी क्या? मैं अपनी बहन की रेडी क्यों चोरी करूंगा? और मैडम आपके पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? सबूत के बिना हम कोई भी काम नहीं करते। वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया तो पकड़ा गया। ये देखिए हुआ ये था कि वो जो रेकड़ी और साकल हम यहाँ छोड़ कर गए थे उस पर हमने एक खास तरीके का केमिकल लगाया हुआ था जो सिर्फ उस आदमी के हाथ में लगता जो उस रेकड़ी को चुराने की कोशिश करता। जिस पानी से अभी अभी आपने हाथ धोया मामा जी, वो पानी नहीं एक दूसरे तरीके का केमिकल है जो हाथ पे लगे केमिकल से मिलकर बन जाता है लाल रंग। तजुर्बा कहता है हमारा कि रंग सच्चा हो या झूठा, जब भी बोलता है सर चढ़कर बोलता है।
छुपा लोगे दुनिया से दिल का हाल हर्फ, माथे की शिकन कैसे छुपाओगे? आईना पढ़ लेता है हर राज को, इस आईने से बचकर कहां जाओगे? क्या बोलती पब्लिक, रात भर बैठकर प्रैक्टिस किए लाए? पहले ही बोली थी मैं हल्के में नहीं लेने का, थोड़ा उर्दू के साथ थोड़ा शायरी भी गटक गई थी, इसके लिए इतना अच्छा निकला। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि इनके हाथों पर जो नई नवेली दुल्हन जैसा लाल चटक रंग है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यही है रेकड़ी चोर। अरे ये सब बकवास है दीदी, ये सब मुझे मिलके फंसा रहे हैं। असली चोर को नहीं पकड़ पाए तो मुझ गरीब पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखो सुन लो, हमारा बात सुन लो, आजकल हम किसी पे हाथ उठा नहीं रहे हैं किसी कारण की वजह से, लेकिन हमारे अंदर ना बहुत तेजाब भरा हुआ है। जिस दिन छींटा पड़ गया ना, यहाँ खड़े खड़े ऐसे थे हो जाओगे, समझ रहे हो? असली प्यार से आराम से पूछ रहे हैं, अगर तुमने ये घटिया काम किया है तो बता दो हमें ईमानदारी से। हाँ मैडम, मैंने ही चोरी की है। संजू, हमने कभी तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपना बेटा माना, और तुमने हमें ही धोखा दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती मामा ऐसा, कि मेरा खुद का मामा ऐसा करेगा। अबे मामा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी है? अपने ही बहन का धंधा चौपट करने का मंसूबा बना लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई थी भाई, पत्थर पड़ गया था मेरी अकल पर। जब आप दोनों मेरी रेडी पे काम कर रहे थे तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब आप लोगों ने अलग से रेडी लगा ली तब मेरा धंधा आधा हो गया, और आप ही की वजह से तो ग्राहक मेरी रेडी पर आते थे आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। एक बार कहा तो होता संजू, हम कभी भी अपना काम शुरू नहीं करते, हम तुम्हारे साथ ही रहते और तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करते। और वैसे भी मामा, मैंने ही अम्मा को बोला था अलग से रेडी लगाने के लिए, क्योंकि हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए अलग कमाना चाहते थे। और अगर मुझे पता होता ऐसा करने से हमारे रिश्ते पे दरार आ जाएगी, मैं ऐसा कभी नहीं करती मामा। मुझे माफ कर दो दीदी। चलो रुक जाइए मैडम, मैडम मत लेके जाइए इन्हें, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। सुनो तुम हमारा बात, जितना हमें रिश्तों का जरूरत होता ना, उतना रिश्तों को हमारा जरूरत होता है। एक पौधे को हम कैसे संभालते हैं, पूरे समर्पण के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरा निष्ठा के साथ, बिल्कुल वैसे ही रिश्तों को संभालना पड़ता है। ऐसे लालच में आके थोड़ी ना हम रिश्तों पे दाग लगाते फिरेंगे। मां थोड़ा तो शर्म करो, तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारी अपनी भांजी है वो। भोलेनाथ आखिरी मौका दे रहे हैं, अब ध्यान से रहना। माफ कर दीजिए मुझे मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए एक सल्यूट तो बनता है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हूँ। अरे जिंदगी में पहली बार अपन ने केस सॉल्व किया है, क्या मजा आता रहेगा तुम लोग को। ऐसा इंसाफ बिंसाफ दिला के मस्त ऐसा अंगार लग गया मेरे बदन को, बहुत मजा है। अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुमने केस सॉल्व किए लाए? अच्छा ठीक है ठीक है, हमने केस सॉल्व किया है, लेकिन 60% मेरा, 35% तेरा, और बाकी का 5 कौन खाएगा? अरे वो है ना चीटा संटू, 5% उनको दे देते, टेबल उठा के लाए ना वो लोग। अच्छा सुन सुन, अभी इस बात पे मस्त मेरे को ना मुंह मीठा करने का है, तो अच्छी किसी दुकान पे रुक, कड़वा में बाद में शाम को कर लेगी। चला मैं लेके आती हूँ। कहाँ? हम जा रहे हैं। अरे मैं लेके आती हूँ ना मिठाई, बैठो। हम जा रहे हैं ना, तुम बैठो। ठीक है जाओ, मेरे को वैसे भी मिठाई खाने से मतलब।
उर्मिला महादेव मात्रे क्या क्या कराती है। लगता है कार की चाबी गुंडे ले गए। जय हिंद मैडम। संतु थाने में सबको अलर्ट कर दो, वो उर्मिला का अपहरण हो गया है। क्या क्या हुआ? क्या हुआ संतु जी? वो उर्मिला को किसने किडनैप कर लिया है? क्या? आ गई होश में कुछ? बोल। हार्ड डिस्क का बोल। तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरा पाला गुंडों से पड़ता है? अरे तेरे जैसी पुलिस वाली से हमारा रोज पाला पड़ता है। सीधे सीधे बता हार्ड डिस्क कहाँ? अब तक 36 को उड़ा चुका हूं, तुझे मिलाकर 37 हो जाएगी। हार्ड डिस्क कहाँ है? आपका घर नहीं संतु जी, चलिए ना। नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर ही रहती हूँ। यही रुकती हूँ मतलब? वहाँ पर उर्मिला का अपहरण हो गया है, करिश्मा मैडम अकेली और आप कह रहे हैं कि आप यहीं पर रुकती है। संतु जी चीते बात को समझ, तू वहाँ पर जा, मैं यहाँ पर रहूंगी तो ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी आप लोगों की। आप लोग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं संतु, हम कुछ समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? एक मिनट। संतु करिश्मा मैडम आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले वो उर्मिला की शर्ट के बटन पे ट्रैकर लगाया था, जस्ट इन केस कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए वो बिना बताए कहीं चली जाए तो हम इजीली उन्हें ट्रैक कर पाए।
आई एम रियली सॉरी बट मैं अभी लोकेशन ट्रैक कर सकती हूँ उनकी। कब बात कर रही हो तुम संतु? जीनियस हो तुम, जीनियस। धन्यवाद इस चीज के लिए। बताओ बताओ कि लोकेशन कहाँ का, जल्दी बताओ। मैं आपको दो मिनट में बताती हूँ मैडम। हम आ रहे हैं वहाँ। हाँ चलो। जी मैडम सीधा जाते रहिए। राइट लीजिए राइट। हाँ बस 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 साइड में रुकिए। धन्यवाद सर। नहीं 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 मैं तुम लोग ने मिस्टेक किया है। तुम लोग गलत आदमी को उठा के लाए। मैं जो दिख रही है ना वो मैं है ही नहीं। और जो है ना वो तो दिख ही नहीं सकता ना। तो तुम लोग मेरे को जाने दो। तुम लोग ने मिस्टेक किया है। चुप सर। मंगल बोल हर डिस्क कहाँ है वरना उड़ा दूंगा खोपड़ी। बोल। अरे कसला डिस्क? मेरे को नहीं मालूम। मैं इधर ये डिस्को क्लब पे मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैं खुद लखनऊ पहली बार आई रे बाबा। मेरे को किधर से मालूम होगा? अरे मैं ही पूछती रहती हूँ इन लोग से कि दारू पी के नाचने का है तो किधर जाए। मैं किधर से पता हूँ तुम लोग को? क्या नया नौटंकी रे तेरा? हाँ तुरंत मत ये लगा। क्या बता हार्ड डिस्क कहाँ है बता। संतु अब आगे कहाँ जाना है? बस मैडम वहीं की लोकेशन बता रही है। वहीं कहीं होगी उर्मिला। अम्मा ये तो हमारी मैडम सर का ब्रेसलेट है। इनके गुजर जाने के इतने समय बाद ये ब्रेसलेट यहाँ कैसे?